टोंक जिले के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में आमजन को सामान्य बीमारी संबंधी आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने मोबाइल मेडिकल ओपीडी यूनिट शुरू की है, जिसके माध्यम से एक डॉक्टर्स, एक नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों को किडनी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, खांसी, बुखार और गर्भवती शिशुओं डाउन के चलते कर्फ्यू क्षेत्र के जो ग्रस्त क्षेत्र हैं उन पे राज्य सरकार के निर्देशों के बाद मेडिकल ओपीडी सेवाओं के लिए वैन चालू कर दी गई हैं, जो शहर में जगह जगह जाकर लोगों की सामान्य जो बीमारी है, खांसी, जुकाम, नज़ला, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए ये इलाज दे रही हैं। ऐसे में ये एक ओपीडी वैन के सामने हम खड़े हैं। ये नौशमिया का पुल क्षेत्र है। हम यहाँ डॉक्टरों की एक टीम खड़ी है, उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ सब डॉक्टर साहब, किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं यहाँ पे? अभी कर्फ्यू क्षेत्र को देखते हुए जो इमरजेंसी मतलब ओपीडी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेज, उन रोगियों को दवा दी जा रही है जो कि कर्फ्यू होने के कारण अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब तक कितने मरीजों को देख लिया? अभी ये सेवा कल से ही चालू हुई है, अभी तक आज 40 से 50 मरीजों को देखा जा चुका है। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये सेवाएं देने के लिए हर जगह, हर मोहल्ले में ये ओपीडी वैन घूम कर लोगों को सामान्य जो बीमारी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह का इलाज किया जा रहा है। टोंक से फिरोज उस्मानी एवं